भी दूसरी तरफ हो गई तो भी वो अपने रास्ते से ऐसे बह रहे। ऐसी नदियों को कहते हैं क्या? पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, तो इनकी अपरदन शक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, उठते हुए पहाड़ की गर्दन को काटकर रास्ता बनाती हैं। ऐसे 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 क्या होता है? तो उठा रहेगा तभी तो नदी बहेगी ना, नहाती हो ना, नहाती हो तो यहां से पानी बहता है कि नहीं बहता है? यहां पर एक दिन डाल के देखना, बाथरूम से निकल के किचन में पानी लेके आना और वहां पे सिर पे डालना, फिर भी ऐसे बहेगा। पहाड़ है ना ये, फिर भी बहता है ना पानी। तो पहाड़ मतलब कैसे आप समझ रही हैं? ऐसा ही पहाड़ होता है, सिर की तरह, पहाड़ के सिर ही तो होते हैं ना पहाड़। ऐसे चढ़े नहीं थी वो, ऐसे चढ़ती थोड़े, उसमें लिफ्ट थोड़े लगाए गए, ऐसे चढ़ेगी नदी? किसने कहा कि चढ़ती है नदी? अरे ऊपर से ऐसे आती है, यूं ऐसे आती है नदी। नदी ऐसे नहीं जाती, ऐसे तो केवल छिपकलियां जाती हैं। ऐसे नदी ऊपर से नदी नीचे से आपके दिमाग में कैसे आ गया? कहाँ कहीं पढ़ा है? मैंने अभी बोला अभी से कि पहाड़ पे चढ़ती है नदी, क्या हिमालय जब बन रहा था? नहीं, समझने में आपको गलती हो गई है। हिमालय जब बन रहा था, ऐसे देखो, अभी पहले हिमालय तो था नहीं, हिमालय तो बाद में बना है। यहां से पानी बह रहा है ऐसे, ठीक है, हिमालय बनने लगा, ऊपर जाने लगा, तो हिमालय को काट के आ रही है ना नदी ऐसे, नहीं समझ गई? हाँ, तो वो ये मत कहना पहाड़ पे जाती है नदी, ठीक है।